beautiful morning class. So let us start today's class. The name of the chapter is Push and the Parrot, that is chapter 3 from your English reader book. So first of all we will look new words of the chapter. So see, the new words are hungry. What is the spelling of hungry? H-U-N-G-R-Y, hungry. Paws, P-A-W-S, paws. Raining, R-A-I-N-I-N-G, raining. Here, H-E-A-R, here. Wait, W-A-I-T, wait. Hungry, paws, raining, here, wait. It is raining, बारिश हो रही है. Push the cat, push बिल्ली. Is feeling hungry, को भूख लगी है, भूख महसूस कर रही है, भूखी है. There is no food, भोजन नहीं है, खाना नहीं है. There are no rats, चूहे भी नहीं हैं. He looks here and there, वो, he means push, the cat push. Push looks here and there. Push इधर उधर देखती है. He sees a parrot. तभी he push को क्या दिखता है? A parrot, एक parrot. Sitting on a tree. वो parrot कहाँ है? Sitting on a tree, जो एक पेड़ के ऊपर बैठी है. He requests the parrot. He push जो है पैरट को अनुग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है. सो इस फर्स्ट पैरा में 1, 2, 3, 4, 5 न्यू वर्ड्स हमें यहाँ मिले थे. और फर्स्ट पैरा में हमें 3 मोर न्यू वर्ड्स मिले हैं, दैट इज फीलिंग, सिटिंग, रिक्वेस्ट. सो जहाँ भी आप न्यू वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे वहाँ पे उस पेज पे इन 5 वर्ड्स के साथ साथ फीलिंग, सिटिंग, रिक्वेस्ट भी लिखेंगे. नाउ अब वो क्या रिक्वेस्ट करता है? पुश बोल रहा है, बेटा देखो वो कैट जो पुश है, ये जो कैट है ये बोल रहा है, मिस्टर पैरट, श्रीमान तोता. मिस्टर पैरट, यू सिंग वेल, आप बहुत अच्छा गाते हैं. प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज मेरे लिए गाना गाइए ना. पैरट, अब पैरट जवाब देता है, फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि पुश ने बोला है यू सिंग वेल, आप बहुत अच्छा गाते हैं. तो जब किसी की तारीफ होती है तो वो तो खुश होता है ना, हमें हमारी तारीफ होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है. तो पैरट को भी बहुत अच्छा लगा, फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ. यस यस, हाँ हाँ, जी जी. और he starts singing, who? Parrot. La la la, dum de dum. और parrot ने गाना शुरू किया. Now see, push. अब फिर दोबारा से push क्या बोलता? I cannot hear you, Mr. Parrot. Mr. Parrot, मैं आपको नहीं सुन सकता. Please come near to me, please. मेरे पास आकर गाइए, मेरे पास आइए. पैरट, अब पैरट जवाब दे रहा, नो नो मिस्टर पुश, नहीं नहीं मिस्टर पुश. यू मे ईट मी, आप मुझे खा सकते हैं. पैरट भी क्लेवर है, पुश तो क्लेवर है ही, जो तोते की झूठी तारीफ करके उसे अपने पास बुला रहा है. बट पैरट इज ऑल्सो वेरी क्लेवर. नो नो मिस्टर पुश, नहीं नहीं मिस्टर पुश. यू मे ईट मी, आप मुझे खा सकते हैं. पुश, No, my dear. नहीं, my dear. I'm an old cat. मैं एक बूढ़ी बिल्ली हूँ. I have no teeth. मेरे पास दांत भी नहीं है. I cannot eat you. मैं आपको नहीं खा सकता. जिसके पास दांत होंगे वही ना खा सकेगा. उसके पास तो दांत नहीं है. वो बोल रहा है मेरे पास दांत नहीं है, दांत नहीं है मेरे, तो फिर मैं कैसे खाऊंगा? अब देखो पैरट क्या बोलता है. Then here I come. अच्छा, लीजिए मैं आ गया. ला 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 ला, टम डी टम, तराला. इस बार पैरट को क्या लगा कि अच्छा, ये एक बूढ़ी बिल्ली है, उसके दांत नहीं है, ये मुझे खा नहीं सकता, तो चलो मुझे इससे कोई खतरा नहीं, मैं इसके पास जा सकता हूँ.
वो गाना गाते हुए उसके पास आया। देन हियर आई कम, तो लीजिए मैं चला आया। ला 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 डम दे डम ता ला, गाना गाते हुए। पुश जंप्स ऑन द पैरट, पुश जो है जैसे ही पैरट उसके पास आता है, पुश जो है जंप कर देता है पैरट के ऊपर एंड होल्ड हिम इन हिज पाथ। पाथ इज कॉल्ड पंजा। और पुश पैरट को जंप करके पकड़ लेता है अपने पास में, अपने पंजों में। पुश, नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पैरट, पैरट क्या बोलता है? यू आर अ गुड कैट। देखो पैरट कितना समझदार है, अपनी इंटेलिजेंसी हर कंडीशन में इस्तेमाल कर रहा है। यू आर अ गुड कैट, आप बहुत अच्छी बिल्ली हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू ईट मी, और अगर आप मुझे खाना ही चाहते हैं, यू मस्ट फर्स्ट, सबसे पहले आपको वॉश योर हैंड्स एंड फेस, आपके फेस और हैंड्स को धोना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी बिल्ली हैं। दैट इज़ वॉट ऑल गुड कैट्स डू, क्योंकि यही सारी अच्छी बिल्लियाँ करती हैं। सारी अच्छी बिल्लियाँ खाना खाने से पहले अपने फेस को और हैंड को वॉश करती हैं। पुश को तो अच्छा बनना था, तो पुश ने बोला, जस्ट सी, अभी देखो, हाउ फास्ट, कितनी जल्दी, आई वॉश माई फेस एंड हैंड्स, मैं मेरे फेस और मेरे हाथों को धोकर आता हूँ। यू स्टैंड हियर एंड सी, तुम यहाँ खड़े रहो और देखो। पैरट, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, मैं कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला हूँ। टू ईट मी अप, के तुम और मुझे खाओ। हियर आई गो, लो मैं तो चला। बाय बाय पुश, अलविदा पुश। और पैरट कितना समझदार था, उसने बोला कि सारी अच्छी बिल्लियाँ खाने से पहले हैंड और फेस को वॉश करती हैं, आपको भी वॉश करना चाहिए। अब ये वॉश तो तभी करेगा ना जब ये पैरट को कहीं पर रखेगा। तो उसने पैरट को रखा एक जगह पर और बोला, अभी देखो मैं यूं गया और यूं आया अपने फेस और हैंड्स को वॉश करके। जैसे ही पुश ने पैरट को रखा, पैरट बोलता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारा वेट करूँगी कि तुम आओ और मुझे खाओ। बाय बाय पुश, अलविदा पुश। और इतना बोलकर पैरट उड़ गई। सो योर होमवर्क इज, यू विल रीड दिस चैप्टर बिफोर योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और उसके अलावा आप इसके न्यू वर्ड्स जो भी मिले हैं उसको एक कॉपी में ट्वाइस इन अ कॉपी नोट करेंगे। 5 न्यू वर्ड्स यहाँ पे हैं, 6, 7, 8 फीलिंग सिटिंग रिक्वेस्ट एंड jumps 9 must 10 these 10 words you will collect in your copy. Good day everyone.